अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य दक्षता के विकास के लिए भारत के प्रसिद्ध सिनर्जी समूह की ओर से बालको में नव चेतना नामक कार्यशाला आयोजित की गई है। अनेक चरणों में आयोजित इस कार्यशाला में अब तक विभिन्न इकाइयों के अनेक अधिकारी और कर्मचारी भाग ले चुके हैं। सिनर्जी समूह के प्रमुख श्री वनराज झाला बताते हैं कि उनकी ट्रेनिंग का उद्देश्य बालको के हर अधिकारी और कर्मचारी को तकनीकी, व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाना है, जिससे उनमें कंपनी के प्रति अपनत्व की भावना का विकास हो सके। इससे वे अपने कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। नवचेतना पर हमें और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं श्री वनराज झाला। नवचेतना जो ये 3 दिन का प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य है, इसके 3 विषय हैं। पहला विषय है पर्सनल ग्रोथ लेबोरेटरी, ये पहला दिन होता है। जो हमारा सेकंड डे का प्रोग्राम है वो है लीडरशिप क्लिनिक, और जो 3रे दिन का प्रोग्राम है वो है टीम बिल्डिंग क्लिनिक। तो ये 3 विषय हैं, पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप और टीम बिल्डिंग। और ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय से लेके जनरल मैनेजर तक हर एक आदमी के लिए करने का इसमें उद्देश्य है। तो सही मानों में देखा जाए तो ये नवचेतना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक अभियान है। ये अभियान है एक बालकों के एम्प्लॉयज़ की सारी संपूर्ण शक्तियों का संपूर्ण विकास करने का ये अभियान है। अभी तक जो हमने देखा है कि जो चाहे आपके मैनेजर्स हैं बालकों के, चाहे आपके सॉफ्ट फ्लोर ऑपरेटर्स हैं, वो जो प्रोग्राम में आते हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का प्रोग्राम भी हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी मैनेजर या सॉफ्ट फ्लोर ऑपरेटर प्रोग्राम में आते हैं, उनको लगता है कि हमको प्रोडक्ट के बारे में सिखाएंगे, मशीन के बारे में सिखाएंगे, उत्पादकता बढ़ाने के बारे में सिखाएंगे। इसके अंदर जो जो व्यक्ति विकास के प्रोग्राम हमारा निजी विकास के लिए हो रहा है, और उससे प्राइमरीली हमारा व्यक्तिगत जीवन में फायदा हो रहा है और सेकेंडरीली ऑर्गेनाइजेशन में फायदा हो रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और उनको कंपनी के प्रति एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस महसूस होती है कि ये कंपनी हमारी फिक्र करती है, तो हमको भी हमारी कंपनी के लिए कुछ योगदान देना चाहिए। ऐसी भावना अभी हमको प्राइमरी फेज से लग रही है। यदि हम सही मानों में भारत देश के अंदर वर्ल्ड क्लास कंपनीज बनाना चाहते हैं, तो पहले हमारी कंपनीज के अंदर वर्ल्ड क्लास माइंड्स होने चाहिए। जब तक हमारे पास वर्ल्ड क्लास माइंड्स नहीं है, तब तक हमारा वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने का या कंपनीज बनाने का दावा केवल दावा रहेगा। तो मुझे जब तक महसूस होता है, तब तक जब कवरा साहब ने और बेदर साहब ने ये प्रोग्राम का डिज़ाइन करने का बोला, तो उस टाइम पर उनका उद्देश्य था कि बालको का हर एम्प्लॉई टेक्निकली, प्रोफेशनली और पर्सनली एक वर्ल्ड क्लास माइंड बने। तो ये इसका उद्देश्य है, और इस तरह से, और वो यदि वो एम्प्लॉई वर्ल्ड क्लास माइंड बनता है तो उसकी कंपनी ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिव बनती है। ये भारत के हर जो प्रगतिशील उद्योग है, उन्होंने इस वास्तविकता को उन्होंने देखा है, अनुभव से देखा है। और ये हमारा भी सिनर्जी ग्रुप के अंदर जो 3.25 लाख लोगों के हमने प्रोग्राम किया है, हमने देखा है कि जिन कंपनियों के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं वहाँ उनका एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हुआ है और उनकी कंपनीज़ को भी यकीनन फ़ायदा हुआ है। ठोस उनकी प्रोडक्टिविटी के रूप में भी उनको फ़ायदा हुआ है।